नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आजकल की नई टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रियल मशीनें आती हैं, चाहे किसी भी कंपनी की मशीन हो, जिन मशीनों के ऊपर में यहाँ पे बॉबिन वाइंडर लगा रहता है। अगर ये बॉबिन वाइंडर, देखिए बॉबिन वाइंडर होता क्या है, जिसमें हम अपने बॉबिन को लगा के धागा भरते हैं, इसको हम बॉबिन वाइंडर बोलते हैं। अगर ये बॉबिन वाइंडर काम करना बंद कर देता है, खराब हो जाता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, किस कारण से हमारा बॉबिन वाइंडर काम नहीं करता है, धागा नहीं भरता है, नहीं घूमता है, और उसको हम कैसे सही करते हैं, ये सारा कुछ जानते हैं। चलिए उसके लिए इस बॉबिन वाइंडर को खोल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, किस कारण से हमारा बॉबिन वाइंडर काम नहीं करता है, उसको हम प्रॉब्लम को कैसे सही करते हैं अगर नहीं घूमता है तो, काम नहीं करता है तो। तो चलिए इसको खोल लेता हूँ, खोल के आपको दिखाता हूँ फिर सारा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको काफ़ी सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी जिसे देख के आप बहुत कुछ सीख सकते हैं सिलाई मशीनों के बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन भी कर लीजिए। तब तक इसको मैं खोल लेता हूँ, देखिए खुल गया। अब देखिए ये खुल गया है, ये देखिए यहाँ पर एक रबड़ लगा रहता है, ये रबड़ टूट गया है, इसी कारण से हमारा जो बॉबिन वाइंडर है नहीं घूम रहा है। यही मेन कारण होता है दोस्तों हमारे बॉबिन वाइंडर के नीचे जो ये पार्ट होता है, देखिए इसमें गड्ढा बना हुआ है ना, इसी गड्ढे के अंदर हमारा रबड़ लगा रहता है। ये रबड़ हमारा टूट के मशीन के नीचे गिर गया था, मैंने निकाल के पहले से रखा हुआ है। अगर यहाँ जो रबड़ लगा रहता है, ये देखिए आपका रबड़ कुछ इस तरह का होता है, ये मैंने नया खरीद के लाया लगाने के लिए, ऐसे ही रबड़ रहता है। तो जो इसके अंदर रबड़ लगा रहता है, अगर रबड़ टूट के गिर जाता है या फिर निकल के गिर जाता है, तो इसी कारण से जो हमारा बॉबिन वाइंडर है वो काम करना बंद कर देता है, घूमना बंद कर देता है। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, एक बार निकाल के देख लेना है, कहीं आपका रबड़ निकला हुआ गिरा हुआ तो नहीं निकल के, अगर एक बार अंदर भी चेक कर लीजिएगा आप, अगर निकल के पूरा गोटा गिरा हुआ है, मतलब टूटा नहीं है, बस निकल के गिर गया है, तो उसको ढूंढ के लगा लीजिएगा। अगर लूज है तो नया ही खरीद के लगा लीजिएगा, और टूट गया है तो भी आप नया खरीद के लगा लीजिएगा। 20 रुपये का रबड़ आता है। तो इसको खरीदने के लिए आप जहाँ सिलाई मशीन की दुकान होती है वहाँ जाके आपको बोलना है कि बॉबिन वाइंडर का रबड़ दे दीजिए, वो आपको दे देगा, 20 रुपये का मिलता है। आप आसानी से सिलाई मशीन की दुकान से, शॉप से खरीद सकते हैं। इसको देखिए कैसे लगाना है, इसको ऐसे लगाना है, देखिए इसके अंदर, ये देखिए इसके अंदर ऐसे गड्ढे के अंदर, इस पर गड्ढे में ऐसे फंसाना है चारों तरफ से, फिर ये बैठ जाके, देखिए बैठ गया ना, ये देखिए कुछ इस तरह से लगा रहता है इसके अंदर रबड़, ठीक है। इसको लगा के फिर आपको अंदर फिट कर देना है। उससे फिट करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका सिस्टम, ये कैसे कैसे काम करता है दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अपने मशीन के अंदर, देखिए हमारे मशीन के अंदर, देखिए ये आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लैक वाला पार्ट, देख रहे हैं ना, जब हम मशीन को चलाते हैं देखिए ऐसे, तो हमारा ये ब्लैक वाला पार्ट घूमता रहता है, ठीक है। यही हमारा जो है ना, जो ब्लैक वाला पार्ट जो घूम रहा है, यही ब्लैक वाला पार्ट हमारा इस रबड़ से कनेक्ट रहता है, रबड़ इसमें टच रहती है, और जब हमारा ब्लैक वाला पार्ट घूमता है तो देखिए हमारा रबड़ को ऐसे घुमाता है, जब हमारा रबड़ को ऐसे घुमाता है तो हमारा जो बोबिन का वाइंडर का सिस्टम है, जो जिसमें बोबिन लगाते हैं, ये भी घूमता रहता है। तो देखिए कैसे काम करता है, देखिए हमारे बोबिन वाइंडर में हुक होता है ना, जब हम इस हुक को ऐसे प्रेस करते हैं, देखिए ऐसे प्रेस करते हैं, तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए पहले मैं इसको हुक को हटा लेता हूँ, हटा दिया हुक को मैंने, अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब मैं इस हुक को प्रेस करूँगा तो जो हमारा ये रबड़ वाला पार्ट है ये इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, इधर की तरफ हो जाएगा, देखिए हो रहा है ना, ये देखिए इधर की तरफ हो जाएगा, दोबारा देख लीजिए, ये देखिए अभी देखिए यहाँ पर चिपका हुआ है ना, ये देखिए हट गया ना, इधर की तरफ हो गया ना। तो क्या होता है, जब हम इसको अंदर इसमें फिट करके जब इस हुक को ऐसे प्रेस करते हैं, तो जो हमारा रबड़ वाला पार्ट है ये इधर की तरफ होता है, जब इधर की तरफ होता है तो जो हमारे मशीन के अंदर, देखिए ये जो हमारे मशीन के अंदर ब्लैक वाला ये पार्ट है, हमारा रबड़ जाके इसमें चिपक जाता है, और देखिए यहाँ पर रुखड़ा रुखड़ा सा बना हुआ है। इसके कारण से क्या होता है कि जब हम मशीन चलाते हैं तो ये जो घूमता है, ये ब्लैक वाला पार्ट जब घूमता है तो हमारे बॉबिन वाइंडर को भी घुमाता है, रबड़ को घुमाता है, जब रबड़ को घुमाता है तो हमारा बॉबिन वाइंडर पूरा घूमता है। समझ गए कैसे कैसे काम करता है, और अगर जब ये दिक्कत आती है तो इसे कैसे सही करना है, बस आपको रबड़ चेंज कर देना है, एक बार खोल के देख लेना है, रबड़ पे प्रॉब्लम होती है, मेन प्रॉब्लम हमारी रबड़ ही होती है, इसी कारण से ये सारी समस्याएं बॉबिन वाइंडर में आती है। अब इसको कस के मैं आपको चला के दिखा देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए, ठीक है, देख लीजिए जरूरी है, कस लेता हूँ, ठीक है, कस के दिखाता हूँ मैं आपको। मोहब्बत बरसा देना तू सामने आया है। बहुत गर्मी है दोस्तों, यार इतना गर्मी है कि पूछो मत, गर्मी से देख रहे हो मेरे पसीने छूट रहे हैं, ये देखिए
पसीने देख रहे हैं ना हाथ पे कैसे चमक रहा है पानी। आपके लिए इतना सारा मेहनत करता हूँ और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और हमारी वीडियो को शेयर भी नहीं करते हो ताकि दूसरे लोग भी देख के कुछ अच्छा सीख सकें। जी हाले मस्ती मुकम्बर दिस बहारी हिजरा बेचारा दिल है सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ये देखिए हो गया ना, ये कस दिया। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पर ध्यान दीजिए घूम रहा है कि नहीं, देखिए थोड़ा और करीब कर लेता हूँ। देखिए ये देखिए घूम रहा है ना, ये देखिए यहाँ से सब इसको हम चक्के को घुमा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे घूम रहा है ना, तो समझ गए कि क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे काम करता है और कैसे सही करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको खोल के एक बार देख लेना है कि इसके अंदर जो रबड़ लगा हुआ है रबड़ कहीं टूटा तो नहीं है, ठीक है। अगर टूटा होगा तो उसको चेंज कर लीजिएगा, बस यही दिक्कत आता है और कुछ दिक्कत नहीं आता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद। हमारे चैनल पे और भी सारी वीडियो पड़ी हुई है, देखिए और सीखिए।